रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर में आपका स्वागत है। और आगे की सीरीज में कंटिन्यू करते हुए आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन वाला पार्ट आज डिस्कस करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। जैसा भी आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मैं ग्रामर वाला पार्ट, वोकैब वाला पार्ट और जैसे भी आपके इंग्लिश में डिमांड होगी वैसे मैं आपको वीडियो में अपडेट करता रहूँगा। और हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहें और अपने साथियों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन में आते हैं। देखें नाउन टॉपिक। जो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है वो है नाउन। और नाउन को अगर हम हिंदी में परिभाषित करें तो नाउन मीन्स होता है संज्ञा। किसी भी वस्तु को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, व्यक्ति को या फिर किसी भी अन्य जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं उनको हम जब देखते हैं तो वो नाउन में आती हैं। और नाउन को अगर हम डिवाइड करें तो नाउन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है काउंटेबल, दूसरा आता है इसमें अनकाउंटेबल। काउंटेबल में अन लगा दिया एंटोनिम बन जाता है तो अनकाउंटेबल। काउंटेबल वर्ड अगर ध्यान दें तो काउंटेबल मतलब होता है जिसकी हम काउंटिंग या गणना कर सकते हैं। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी नंबर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं तो काउंटेबल होता है। और काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल और सिंगुलर बना सकते हैं। इनको हम सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं पेन तो पेन का प्लूरल हो जाएगा पेन्स। अगर बॉय कहते हैं तो बॉय का प्लूरल हो जाएगा बॉयज। काउंटेबल जिनकी गणना कर सकते हैं। सिंगुलर में आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हो। ए और एन जहां भी लगे रहते हैं, ए और एन का मतलब होता है वन। और प्लूरल में हम इस्तेमाल करते हैं मैनी का, मैनी कर सकते हैं या फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी काउंटेबल होगा प्लूरल में मैनी लगा देंगे या फ्यू लगा देंगे तो वहां पर आपका वो नाउन प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल में कभी भी ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रहता है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम प्लूरल बनाना भी चाहते हैं तो हम इसमें मच लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मच है, लिटिल है या फिर लेस है या फिर लेसर है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। काउंटेबल में सिंगुलर, फॉर एग्जाम्पल अब ए और एन को अगर हम ध्यान दें तो ए और एन का मतलब होता है वन या फिर इसको कह सकते हैं सिंगल। जो चीजें सिंगल होती हैं, वन होती हैं, वो कहलाती हैं काउंटेबल में एक या सिंगुलर। जब भी ए लिखा हो तो इसका मतलब होता है नाउन आएगा और काउंटेबल होगा, नाउन काउंटेबल में। और सिंगुलर में होता है, सिंगुलर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आ लिखा है तो आप ये कह सकते हो आ पेन, लेकिन अगर आप पेन्स कर दोगे तो रॉन्ग होगा। इसी तरह से जैसे आपने कहा आ बॉय और अगर आप बॉयज कर दोगे तो आ मीन सिंगुलर है और बॉय सिंगुलर ही रखना पड़ेगा आपको, तो एस को रिमूव करना पड़ेगा। सिमिलरली जब एन की बात करते हैं तो एन प्लस सिंगुलर नाउन, लेकिन एक चीज ध्यान दोगे इसमें सिंगुलर नाउन तो आएगा वो भी काउंटेबल में होगा। और इसके बाद वॉवेल
साउंड होने चाहिए, वॉवेल साउंड आनी चाहिए जहां पर भी एन लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल एन और प्लस लगा दिया, एन ऑरेंज, एन एप्पल, ऑरेंज है, एप्पल है, इनको एस नहीं देना है क्योंकि सिमिलर है। या फिर एन एग, यहां पर अगर ध्यान दो तो हर एक वर्ड में वॉवेल साउंड आ रही है, तो यहां पर आर्टिकल आपका एन लगेगा ना कि आ। कुछ ऐसे आपको वर्ड्स या नाउन मिल जाते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि वहां पर कौन सा आर्टिकल आपको लगाना होगा। तो ये ध्यान रखना कि एन प्लस वॉवेल साउंड होना चाहिए ना कि वॉवेल लेटर। अगर हम वॉवेल लेटर की बात करते हैं, अगर वॉवेल वॉवेल्स की बात करते हैं तो आपको मालूम है ए ई आई ओ और यू इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑलवेज ये वॉवेल साउंड नहीं क्रिएट करते हैं। दैट्स वाई एक कंफ्यूजिंग कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपको आर्टिकल फिल करना होता है। अगर हम ध्यान दें इसमें, आर्टिकल का चैप्टर आपको थारोली अलग सीरीज में बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहां पर। आर्टिकल किस किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है? आर्टिकल का पहला मीनिंग तो होता है कोई भी आर्टिकल है वो एक, जैसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो संविधान में अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद या धाराएं हैं, तो आर्टिकल आते हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल में, यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, आर्टिकल कोई भी वस्तु है या कोई भी सामान है आपके पास तो थिंग के लिए इस्तेमाल करते हो आर्टिकल का, वस्तु या थिंग। और यहां पर डिटरमिनर की तरह इस्तेमाल होता है, डिटरमाइन करता है, तो डिटरमिनर की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां पर अगर ध्यान दो तो एन अगर लगा रहे हैं तो एन कहां लगाओगे? फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स आते हैं जिनमें वॉवेल साउंड आती है, वॉवेल लेटर्स नहीं होते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं, तो वहां पर कॉन्सोनेंट लेटर होने के बाद भी वॉवेल साउंड आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है एफ आई आर, एफ आई आर में पहले आपको एन लगाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन इसकी साउंड है एफ, और एफ में अगर ध्यान दो तो एफ दैट इज वॉवेल साउंड। अगेन फॉर एग्जाम्पल एच एम टी, जैसे एच एम टी हिंदुस्तान मशीन टूल्स होता है तो एच एम टी लिखा हुआ है। या फिर आपने कुछ वर्ड पढ़े होंगे, ऑनेस्ट आता है तो ऑनेस्ट में लगा देंगे। यहां पर एच साइलेंट है, एच एम टी में अगर एच को प्रोनाउंस करोगे तो एच आता है, एच दैट इज अगेन वॉवेल साउंड, जबकि लेटर कॉन्सोनेंट है। अगेन अगर ध्यान देते हैं एल, जैसे एल एल बी, जैसे एल एल एम, इनकी बात करते हैं तो यहां पर भी आपका एल दैट इज अगेन साउंड आती है एल, और ये साउंड है वॉवेल। नेक्स्ट आपका फॉर एग्जाम्पल एम पी, एम एल ए, एम पी, एम एल ए, एम एल सी, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जिसको सांसद कहते हैं, एम एल ए दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसको विधायक कहते हैं, असेंबली का मेंबर होता है, और एम एल सी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का सदस्य होता है। लेकिन इनको जब शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर एम साउंड आती है और यहां पर अगेन वॉवेल साउंड है। अगेन अगर देखें तो एनजीओ या फिर एनसीसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या एनसीसी होती है आपकी एक कोर होती है, और यहां पर भी अगर एन को प्रोनाउंस करोगे तो एन में ये साउंड आती है दैट इज वॉवेल। अगेन फॉर एग्जाम्पल आर, आर में आरटीओ है, आरटीओ में भी अगर आर को प्रोनाउंस करोगे तो आर आता है दैट इज अगेन वॉवेल साउंड। नेक्स्ट आता है एस पी या फिर एस एस पी या फिर एस डी एम, और यहां पर भी अगर ध्यान दोगे तो एस आता है दैट इज वॉवेल साउंड। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहां पर एन लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे, और एक्सरे की बात करते हैं तो यहां पर एक्स साउंड आती है
और अगेन वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर आपको एन का इस्तेमाल करना है। ये तो हो गया आपका आर्टिकल जो कंफ्यूजिंग रहते हैं। लेटर सभी आप देखोगे यहाँ पर तो सभी लेटर कॉन्सोनेंट है, बट इनकी साउंड अगर बात करते हैं, इंडिपेंडेंट लेटर प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड आती है आपकी वॉवेल और इसके पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट ये तो बना देते हैं, ए और एन कहीं लग जाते हैं तो सिंगुलर बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको प्लूरल बनाना है तो प्लूरल में ये ध्यान रखना कि अगर मैनी का इस्तेमाल करते हैं या फ्यू का इस्तेमाल करते हैं तो मैनी और मैनी के बाद होगा प्लूरल नाउन। कैसे? जैसे मैनी और आपने कर दिया बॉय, तो बॉय गलत है, मैनी बॉयज। प्लूरल है तो आगे प्लूरल नाउन आएगा और एस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जिनका हम प्लूरल एस न लगा के वॉवेल लेटर चेंज कर देते हैं, जैसे मैनी मैन नहीं होगा, मैनी मैन। यहाँ पे एक रूल आता है जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं, मैं उनको पहले बता चुका हूँ, यहाँ भी जिनकी पहली क्लास है इसमें देख सकते हैं कि मैनी प्लस प्लूरल नाउन है और अगर आपको वर्ब लगानी है क्योंकि काउंटेबल में चल रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैनी के साथ आ प्लस एन आ जाए, समटाइम्स आता है ये आपका स्पॉटिंग रन में स्ट्रक्चर आता है, सेंटेंस आता है और मैनी प्लस ए या ऑब्लिक एन दिया हुआ, ये तो मालूम है आपको कि आ लगाओगे तो वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए किसी भी वर्ड की, और जब एन का इस्तेमाल करते हो तो वॉवेल साउंड होनी चाहिए किसी भी वर्ड की। और ये सिंगुलर होते हैं तो आगे बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पर कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए। मैनी के जस्ट बाद अगर ए और एन आ जाता है तो फॉलोड बाई सिंगुलर नाउन, और जब सिंगुलर नाउन होगा तो फिर आपको फिर ध्यान देना है कि आपके सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। यही चेक कर लोगे आप, एरर को फाइंड आउट कर लोगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैनी अ बॉय हैज बीन, ध्यान देना यहां पर मैनी के साथ आ या एन फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब और हैज बीन सिलेक्टेड। मैनी बॉय हैज बीन सिलेक्टेड और फ्रॉम एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट, एकॉर्ड करियर से बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बॉयज का सिलेक्शन हुआ है। यहां पर ध्यान दोगे ऑलवेज, अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर एन लगा दिया है मैंने के बाद एन, तो अगेन यहां पर एप्पल होगा, एप्पल्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना, और सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब नहीं होगी। ये दोनों चीज चेक कर लोगे तो आपको एरर फाइंड आउट हो जाएगी। मैनी आ प्लस एन ये स्ट्रक्चर है, फॉलोड बाई सिंगुलर नाउन फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब, और यहीं पे आपको मिस्टेक मिल जाएगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी यही आ जाता है। और यही जब प्लूरल की बात करते हो तो प्लूरल में आपका कभी भी मैनी नहीं लगता है, प्लूरल में आप इस्तेमाल करोगे मच का, दैट इज अनकाउंटेबल की बात हो रही है यहाँ पर। अनकाउंटेबल या क्वांटिटेटिव जैसे रहता है वहां पर, जैसे मैनी है तो मैनी के साथ आप कभी भी मैनी वाटर नहीं होगा, या मैनी अगर मैनी है तो वाटर्स करना पड़ेगा लेकिन मीनिंग बदल जाती है, मैनी वाटर नहीं होगा, मैनी वाटर्स नहीं होगा, इन प्लेस ऑफ मैनी आप इस्तेमाल करोगे मच का, मच वाटर, मच मिल्क, क्योंकि ये सब नाउन कैसे हैं आपको, ये सब है आपके अनकाउंटेबल क्वांटिटेटिव है, तो मच मिल्क है, मच शुगर, इस तरह से रिलेट करते हैं। तो जहां पर भी आपका अनकाउंटेबल में या फिर क्वांटिटेटिव नाउन में प्लूरल बनाना हो, इन प्लेस ऑफ मैनी यूज मच। ओके, नाउ काउंटेबल के बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जैसे हेयर, एच ए आई आर, जिसको बाल भी कहते हैं, हेयर माने बाल, और जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं दोनों में इस्तेमाल होता है। अगर हम टोटल बालों की बात करते हैं तो हेयर को हेयर्स नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हिज हेयर और आर नहीं होगा, ध्यान रखना यहाँ पर आर नहीं होगा, एज चलेगा और कर ली, टोटल बालों की बात हो रही है। लेकिन अगर इसी को हम काउंटेबल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं,
इसी सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, हिज टू हेयर्स, और टू का मतलब है हम बालों को काउंट कर रहे हैं, तो एस जरूरी है, और हिज टू हेयर्स आर और वाइट, उसके दो बाल सफेद हो गए हैं एजिंग की वजह से, तो वहां पर टू काउंटेबल हेयर्स प्लूरल में, और अगेन प्लूरल वर्ब आती है, तो दोनों में इस्तेमाल करते हैं। बी केयरफुल कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जब टोटल बालों की बात करते हैं और हेयर की स्टडी के बारे में बात करते हैं, समटाइम्स आ जाता है कि स्टडी अ साइंस ऑफ हेयर डिजीज या हेयर, अगर हेयर फॉलिंग हो रही है, अगर हेयर संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे, तो वनवर्ष म्यूटेशन में आता है कि स्टडी ऑफ हेयर, तो ट्राइकोलॉजी होता है, यू नो टी आर आई सी एच ओ एल ओ जी वाई, ट्राइकोलॉजी में लॉजी को ब्रेक कर दो, ये साइंस बता चुका हूँ आपको वक्त में, साइंस या स्टडी है, और ये जहां भी लगा रहता है दैट मीन्स हेयर। अगर ये डॉक्टर की बात करते हैं तो वो डॉक्टर होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, स्टडी या साइंस ऑफ हेयर डिजीज। नाउ इसी ट्राइक से अगर ध्यान दो, जो लोग अगर हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो एक हेयर ऑयल आता है नाम ट्रीचर, ट्रीचर का मतलब होता है कि हेयर की हीलिंग करता है, यानी हेयर की ग्रोथ में लाभदायक होता है, तो ट्रीचर। या फिर जैसे कभी कभी स्पेलिंग कॉम्पिटिशन होता है वर्ल्ड लेवल पे, तो वहां भी एक वर्ड बोला गया है साइमेट्रिकस, और साइमेट्रिकस का मतलब होता है लहराते हुए बाल, सी वाई एम ओ टी आर आई सी एच ओ यू एस। अगर ध्यान दो यहाँ पे टी आर आई सी एच है, और ये हेयर को रिलेट करता है, वे भी हेयर लहराते हुए बाल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये तो हो गया आपका हेयर के लिए। अब अगर हम इसको नाउन को अगेन फर्दर डिवाइड करें तो काउंटेबल की बात करते हैं, तो एक पहला आपका नाउन आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जो बच्चे यूपी बोर्ड पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि एक आता है आपका कॉमन नाउन, और इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, एक जाति का बोध कराता है, फॉलोड बाई प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एंड अगेन आता है आपका कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन का मतलब है समूहवाचक संज्ञा, ये तो आपको मालूम होगा। फिर इसके बाद आप अगला नाउन रिलेट करते हैं तो वो आता है आपका अनकाउंटेबल में चले जाते हैं ये मटेरियल नाउन, और हिंदी में कहते हैं इनको पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, फॉलोड बाई, अगर आगे ध्यान दो तो नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग कई आती हैं, जब वोकैब में डिस्कस करेंगे आपसे तो वहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आता है, थ्योरेटिकल के लिए आता है, इंपर्सनल के लिए आता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये कैटेगराइजेशन हुआ है। नाउ कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो कॉमन नाउन जिसको कहा गया है एक जाति का बोध कराता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बॉय, तो एक जाति हो गई, लड़कों की बात हो गई है, या फिर कह दिया आपने सिटी, कोई भी शहर हो सकता है, या फिर कह दिया नेशन, कोई भी राष्ट्र हो सकता है, तो ये कहलाते हैं कॉमन नाउन। और अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, अगर इन्हीं को हम कोई पर्टिकुलर या प्रॉपर नाम दे देते हैं तो दे बिकम प्रॉपर, डेफिनेट हो जाते हैं वो। बॉय की अगर बात करते हैं तो आपने कह दिया अनिल, दैट इज प्रॉपर नाउन। सिटी की बात करते हैं तो आपने कह दिया यूपी की कैपिटल है लखनऊ, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। नेशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज। ये जब कॉमन नाउन को कोई नाम दे देते हैं तो दे बिकम प्रॉपर, और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर प्रॉपर नाउन, बिकॉज दे आर देमसेल्फ प्रॉपर एंड पर्टिकुलर, और आर्टिकल द चीज़ों को डेफिनेट और पर्टिकुलर कर देता है, तो यहाँ पर इसके पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर करने के लिए बॉय, सिटी या नेशन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कलेक्टिव नाउन, अगर इन्हीं को हम एक समूह के रूप में, ग्रुप के फॉर्म में शो करते हैं, जैसे कह दिया पीपल, तो पीपल का मतलब हो गया लोग, ग्रुप ऑफ मैन वीमेन चिल्ड्रन, पीपल हो जाता है, फॉलोड बाई फॉर एग्जाम्पल कैटल, कैटल मीन्स होता है मवेशी, जानवरों का झुंड होता है, और ध्यान रखना कैटल को कैटल्स नहीं करते हैं, पीपल को पीपल्स नहीं करेंगे, ये कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा, एक समूह का बोध कराते हैं। मटेरियल नाउन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने कहा था मिल्क, मिल्क्स नहीं, या फिर वाटर, वाटर्स नहीं, वाटर्स होता है, आपको बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, वाटर्स जब कर देते हो तो वाटर्स का मतलब होता है सी या समुद्र, जब भी कोई
साइक्लोन या हरिकेन या टॉर्नेडो आया होता है, तो वहां पर गवर्नमेंट एक एडवाइजरी जारी करती है कि जो भी मछुआरे हैं वो डीप वाटर्स में ना जाएं। इट मीन्स कि डीप सी में ना जाएं, गहरे समुद्र में ना जाएं, क्योंकि लहरें उठ रही होती हैं, हाई टाइड होता है, लहरें उठ रही होती है, तो वहां पर आप वाटर मीन्स वाटर्स कर दोगे तो सी हो जाता है, और वाटर है तो अनकाउंटेबल है, जो पीने वाला पानी होता है वहां पर इस्तेमाल होता है इसका। या फिर जैसे ब्लड है तो ब्लड भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। ब्लड को ब्लड्स नहीं करना है। अगर ब्लड की वर्ब बनाना चाहते हो तो ब्लड का वर्ब होती है ब्लीड, ब्लीडिंग हो रही है। और बता चुका इसके पहले कि ब्लड की स्टडी करते हैं तो वो होता है किसमें, हीमेटोलॉजी। यू नो वेरी वेल, हीम जहां भी लगा रहता है, हीम माने ब्लड होता है, हीमेटोलॉजी होता है, हीमेटोफोबिया होता है। और हीमोग्लोबिन की जांच कराते हैं, पैथोलॉजी में जाके ब्लड की जांच होती है। वाटर की बात करते हैं तो वाटर को आपको बताया है, ये एक्चुअल में आपको वो कभी साथ में डिस्कस करता जा रहा हूँ कि आप इनको पहचान लेना वर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करते हैं तो अगर कहीं आपको एक्वा मिल जाए तो एक्वा मीन्स वाटर होता है। जैसे एक्वेटिक, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, दैट इज जलचर होते हैं, लिविंग इन वाटर ओनली। फॉलोड बाय जैसे एक्वा गार्ड होता है, वाटर को फिल्टर करता है, जहां भी एक्वा लिखा होगा तो वहां पर एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम घरों में मछली रखने का या जलीय जीव जंतु को रखने के लिए एक जार होता है, तो एक्वेरियम कहलाता है, एक्वा वहां भी आता है। और हाइड्रो, हाइड्रो भी जहां भी लिखा रहता है तो वहां भी हाइड्रो मीन्स होता है। आपको मालूम है वाटर की बात होती है क्योंकि वाटर का फॉर्मूला अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें हम लोग तो H2O होता है और उसमें हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो हाइड्रो मीन्स वाटर रिलेट करता है। हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिनके पागल कुत्ते काट लेते हैं, रेबीज हो जाता है, तो वहां पर हाइड्रोफोबिया है, दैट इज फियर फ्रॉम वाटर। और मिल्क, अगर मिल्क की बात करते हैं तो एक आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि मिल्क की जब जांच करते हैं शुद्धता की, लैक्टोमीटर होता है, और मीटर जहां भी लगा रहता है, मीटर माने होता है मेजरमेंट, तो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टो है, तो लैक्टोमीटर हो जाएगा मिल्क के लिए। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आप एक क्लासिफिकेशन है, जनरल में बता रहा हूँ आपको। एब्स्ट्रैक्ट माना होता है भाववाचक संज्ञा, जैसे ऑनेस्टी, जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं उनका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, एहसास होता है, जैसे ऑनेस्टी है, मर्सी है, या फिर सिंपैथी है, ये सब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ऑनेस्टी को ऑनेस्टी नहीं करना, मर्सी को मर्सी नहीं करना, सिंपैथी को सिंपैथी नहीं करना, लव है, हेट है, ब्रेवरी है, कॉवर्डिस है, ये सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, भाववाचक संज्ञा है, और इनको प्लूरल ही बनाया जाता है कभी भी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड मर्सी, मर्सी इज अ गुड थिंग, सिंपैथी को सिंपैथीज नहीं करोगे। एंड फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो इनको ना तो प्लूरल बनाते हैं और ना ही इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑनेस्टी आर नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंड मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो मिल्क को मिल्क नहीं, वाटर को वाटर नहीं, या ब्लड को ब्लड्स नहीं। और इनकी जब बात करते हैं तो अगेन ये अनकाउंटेबल में आते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इनके पहले आप मच का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सिंगुलर वर्ब तो ऑलवेज आनी ही आनी है। ओके गाइज, नाउ कुछ हम लोग देखते हैं इसमें, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन है। कभी कभी आप कंफ्यूज आते हो कि क्या वर्ड है और उसकी मीनिंग क्या है, एस लगाने से उसकी मीनिंग बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल वर्क एंड वर्क्स, आप जानते हो आप जितना भी काम करते हो, घर का, बाहर का, क्लास वर्क, होम वर्क, वो सब वर्क ही रहता है, और वर्क को वर्क नहीं करना है, अनकाउंटेबल चलता है। अ लॉट ऑफ वर्क, इट मे बी अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क हो सकता है, या फिर मच वर्क हो सकता है, लेकिन वर्क को वर्क नहीं करते हैं। बी केयरफुल, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ही हैज मच वर्क टू डू, मच वर्क इज टू बी डन, बहुत सारा काम किया जाना है इन लाइफ, तो वर्क वर्क नहीं होगा। और लॉट ऑफ और मच का इस्तेमाल कर सकते हो। बिफोर वर्क मैनी का इस्तेमाल आप अवॉइड करोगे, मैनी इसके पहले नहीं लगता है, और सिमिलर वर्ब का इस्तेमाल करते हो, चाहे क्लास वर्क हो चाहे होम वर्क हो। और यही यहां पर एक चीज और है, वर्क और वर्क प्लेस, जब इनकी बात करते हैं तो एक वर्ड आता है एर्गो और एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स हर एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी यूज करता है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और प्लस एर्गो या ERG, जहां भी लिखा होगा वर्क प्लेस, वर्कर को रिलेट करना है। तो इकोनॉमिक्स ऐसी जो वर्कर को प्रमोट करे, वर्कों के लिए सुटेबल एटमॉस्फेयर दे फैक्ट्री में या फिर कंपनी में, एर्गोनॉमिक्स है। और अगर जो लोग काम से डरते हैं, काम से भागते हैं, तो उनके अंदर फोबिया होता है, अर्गोफोबिया। तो मैं साथ में आपको वोकैब भी डिस्कस करता जा रहा हूँ, जो भी वर्ड्स आते जाएंगे आपको डिस्कस करता रहूंगा। नाउ अगेन अगला वर्ड आता है, अगर इसी वर्क में एस लगा देते हैं तो वर्ड एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना,
ये वर्क एग्जिस्ट करता है, लेकिन वर्क जहां भी लगा लिखा होगा उसका मतलब होता है कि जैसे कोई फैक्ट्री लगी है, जैसे आप देखा होगा कई सारे दुकान लिखा रहता है इंजीनियरिंग वर्क्स, सेफ वर्क, जहां पर भी अलमारियां बनती हैं तो वहां लिखा रहता है सेफ। माने कई मीनिंग आती है, नाउ रिलेट कर लेते हैं सेफ को। यू आर सेफ, वी आर सेफ, हम लोग सेफ है, इंडियन आर्मी जहां जहां भी है, तो सेफ का मतलब हो गया। इसका नाम बना दो सेफ्टी हो जाता है, और इसका वर्ब बनाओगे तो सेव हो जाता है, सेफ, सेफ्टी, सेव। ये वर्ब हो गया, ही सेव्ड मी। सेफ एडजेक्टिव हो गया, ये आपको मालूम होना चाहिए कन्वर्जन इसका, एंड अगेन सेफ्टी हो जाता है नाउन। सेफ को तीन तरह इस्तेमाल किया हम लोगों ने, सेफ एडजेक्टिव फॉर्म में, यू आर सेफ, वी आर सेफ, सेफ्टी, आई वैल्यू योर सेफ्टी। नेक्स्ट है सेव, ही सेव्ड माई लाइफ, तो वर्ब फॉर्म में, नाउन फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में। लेकिन यहां पर सेव माने होता है अलमारी या तिजोरी होती है, तो सेफ वर्ब जहां बनती है, और इसी तरह से होता है इंजीनियरिंग, अगर लिखा रहता है दुकानों में इंजीनियरिंग, लिखने के लिए पहले इंजन लिखो, फिर आपका इंजीनियर लिख दो, और फिर आईएनजी इंजीनियरिंग, तो फिर कभी गलत नहीं होगी आपकी, इंजन लिख के ईआर इंजीनियर और आईएनजी, तो इंजीनियरिंग वर्क्स। या फिर आपने सुना होगा एक कार आती है, बीएमडब्ल्यू कार आती है, बावरियन मोटर वर्क्स, तो वर्क्स मतलब होता है फैक्ट्री, जहां भी लिखा होगा उस मीनिंग में आप फैक्ट्री की बात कर रहे होते हो, फैक्ट्री की बात होती है, और इसको कहते हैं कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री की बात हो रही है, तो ध्यान रखना एर्गोनॉमिक्स और एर्गोफोबिया। नाउ अगला वर्ड आता है आपके लिए वुड एंड वुड्ज, वुड एंड वुड्ज। वुड की बात करते हैं, जिसमें वुड कटर होता है, जिसको लकड़हारा कहते हैं, वुड लकड़ी है, मेड ऑफ वुड होता है, ध्यान रखना दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब एक चीज और ध्यान दें, वुड माने हो गए लकड़ी, और जब वुड की बात करते हैं तो वुड माने होता है फॉरेस्ट, जंगल, फॉरेस्ट को आप जंगल भी कह सकते हो, तो वुड लकड़ी, वुड फॉरेस्ट या जंगल, और वुड्स आर लवली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मीलों चलना है सोने के पहले, जो जो टास्क लिए हमने मॉर्निंग में उनको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट होने के पहले हमें नहीं सोना है, तो वुड्स आर लवली, इसके साथ लगाते हैं आर, प्लूरल चलता है ये। नाउ मेड ऑफ, जब भी मेड ऑफ लगा रहता है तो जो भी आगे बढ़ आ रहा होता है, तो ये ध्यान रखना है इसमें कि मेड ऑफ वुड, दैट इज वो मटेरियल नहीं चेंज होता है, नो केमिकल चेंज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, लकड़ी लकड़ी ही रहती है। मेड ऑफ, जैसे कह दिया मेड ऑफ गोल्ड, ये रिंग सोने की बनी हुई है, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, नो चेंज शेप में, लेकिन अगर यही मेड फ्रॉम हो जाता है, तो मेड फ्रॉम का मतलब होता है कि वो मटेरियल अपने मूलभूत अवस्था को छोड़ चुका होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज जाती है। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, कर्ड माने आप जानते हैं दही होता है, और कर्डलिंग होता है, दही का जमना होता है, कर्ड से कर्डल, कर्डलिंग, तो आपने कहा कर्ड और एज मेड बनाया जाता है, और फ्रॉम आप कह लोगे मेड ऑफ नहीं होगा, मिल्क होगा, तो मेड फ्रॉम मिल्क होगा, ये हो गया कर्ड, कर्डलिंग, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। या फिर कोई और चीज जैसे जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही होती है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मेड फ्रॉम मतलब है कि ये रिवर्सिबल चेंज हो जाता है, घी बना रहे हैं दूध से तब भी मेड फ्रॉम ही आएगा। नाउ फिर आता है मेड इन, जैसे आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया, या इसके पहले बहुत सारी चीजें मेड इन चाइना, आप देखते हो कोई भी मोबाइल, कोई प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट से, तो मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन यूएसए, तो दैट इज मेड इन इंडिया, इनका मतलब होता है आगे प्लेस देना है आपको। और अगर यही मेड बाय हो जाए, तो आप जब पैसे बाय बनाते हो तो बाय का इस्तेमाल करते हो, जैसे कहा गया दिस प्रोजेक्ट इज मेड बाय मी, ये प्रोजेक्ट मेरे द्वारा बनाया गया है, तो इस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हो, तो वुड और वुड्स का ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आता है फ्रूट एंड फ्रूट्स, जब फ्रूट की बात करते हो तो फ्रूट मीन्स होता है खाने वाला फल, जो भी आपका एप्पल है, बनाना है, गुआवा है, पाइन एप्पल है, ये सब आते हैं फ्रूट में। फ्रूट और फ्रूट को फ्रूट्स नहीं करना है, जब भी खाने वाले फल की बात करते हैं, और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लगता है, ध्यान देना इस चीज को स्टूडेंट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में लगा रहता है, फ्रूट में नहीं लगता है। और ही बॉट सम फ्रूट, वह मार्केट से कुछ फ्रूट लाया था, ही बॉट सम फ्रूट्स,
नहीं होगा सम फ्रूट फ्रॉम मार्केट, सम लगा हुआ है इसके बाद भी फ्रूट ही रहेगा, और सम का इस्तेमाल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में करते हैं, जट्टी जब बताएंगे तो उसमें आपको डिस्कस होगा ये। और अगला हम बात करते हैं अगर इसमें तो फ्रूट अगर हो जाता है तो फ्रूट्स माने फिर आपका ये खाने वाला फल नहीं है, ये आता है रिजल्ट के लिए। और ध्यान रखना प्लूरल वर्ब आती है, जैसे कहा गया फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का जो फ्रूट्स होता है, अब यहाँ पे हार्ड वर्क होगा ये बताया था, वर्क्स नहीं होगा, और वो है आर, और आर लगेगा एज नहीं, और सक्सेस, सक्सेस नाउन है, अगर इसका हम बनाए कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ये यूज होता है सेंटेंस फ्रेमिंग में, सक्सेस नाउन है, सक्सेसफुल कर दोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, सक्सीड कर देंगे तो वर्ब हो जाएगा, यू नो वेरी वेल, इनको नहीं मालूम है ये नोट कर लेंगे, सक्सेस नाउन सक्सेसफुल एडजेक्टिव। और इसी फ्रूट में आपको जैसे कह दिया किसी चीज का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके एफर्ट सब बेकार हो रहे हैं तो फ्रूटलेस इसका मतलब है विदाउट एनी रिजल्ट, और जब फुल लगा देते हो तो फ्रूटफुल का मतलब हो जाता है गिविंग रिजल्ट, फ्रूटफुल होना दैट इज हैविंग रिजल्ट। तो ये हो गया आपका फ्रूट और फ्रूट्स, ये डिफरेंस हो गया इसमें, वाटर एंड वाटर बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट आता आयरन और आयरन, यू नो आयरन जिसको आयरन भी कहते हैं, लेकिन अगर आयन बोलूंगा तो आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि आयन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हो जाता है, फिर एनायन है कैटायन है यानी जिनको धनायन या ऋणायन कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण भी आयरन ही रहता है, लेकिन यही आयरन आपके प्रेस के लिए भी काम आता है, जैसे आप इस्त्री करते हैं कपड़ों में रिंकल दूर करने के लिए तो वहां भी यही स्पेलिंग रहती है, बट प्रोनाउंसिएशन उसका होता है आयन नॉट आयरन। आयरन और आयरन, आयरन का मतलब होता है ब्लैक मेटल, ये आपकी काली धातु होती है, इसी वजह से इसको जो डील करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ब्लैक स्मिथ, लोहार होते हैं इनको कहते हैं ब्लैक स्मिथ, ब्लैक मेटल है तो ब्लैक स्मिथ का मतलब है कि कौन सा काम कर रहा है, लोहे वाला काम कर रहा है तो ब्लैक स्मिथ है। और इनकी लोहारी या सुनारी होती है, अगर सुनारी की या सुनार की बात करते हैं तो गोल्ड स्मिथ होता है, क्योंकि गोल्ड आपका एक धातु है येलो कलर की, येलो मेटल भी कहते हैं, तो इनकी जो कलाकारी या आर्ट होती है वो स्मिथ ही कहलाती है, तो ब्लैक स्मिथ हो जाता है। आयरन को आप केमिस्ट्री के हिसाब से फेरस या फेरिक कहते हो, जिसमें इसका सिंबल होता है Fe। नाउ ये आयरन हो गया आपका ब्लैक मेटल या फिर लोहा या इस्पात, जैसे आपने सुना होगा सेल है, तो सेल का मतलब ही होता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर स्टील इस्पात की बात हो रही है, यहाँ पर कुछ मेटल या आयरन की बात हो रही है, तो इस्पात भी कहते हैं आयरन को या स्टील कहते हैं, और स्टील के पहले अगर लगाते हो तो स्टेनलेस स्टील हो जाता है, स्टेन का मतलब ही होता है दाग या धब्बा रहित होती है, अच्छी स्टील मानी जाती है, तो स्टेनलेस स्टील। और जैसे आपका टाइट पाउडर आता है लिखा रहता है एरियल है तो उसमें लिखा रहता है स्टेन फ्री वॉश, दाग धब्बा रहित धुलाई होती है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो स्टील या इस्पात या आयरन कह सकते हो आप। और आयरन की बात करते हो तो आयरन मतलब होता है शैकल्स, शैकल्स माने होता है यू नो शैकल्स माने होता है बेड़ियां जंजीरें, जैसे कहा गया कि हिंदुस्तान या इंडिया अंग्रेजों की बेड़ियों में झगड़ा हुआ था तो उनकी आयरन में था शैकल्स में था, और इसके लिए एक वर्ड आता है यू नो फेटर्स एफिडेबल्टी, फेटर्स आर एस फेटर्स एफिडेबल्टी हो जाता है यहाँ पर, फेटर्स शैकल्स बेड़िया या जंजीरें। तो ये आयरन और आयरन का डिफरेंस है। देखते हैं इसमें कैटल की बात करते हैं तो जैसे कहते हैं कैटल, कैटल्स नहीं होगा और कैटल के साथ इज नहीं चलता है, कैटल आर ग्रेजिंग कि मवेशी चर रहे हैं तो ग्रेज कर रहे हैं, ग्रेजिंग। अच्छा ग्रेजिंग कहाँ से आता है, ग्रेज की बात करते हैं तो ये ग्रास से आता है, तो कहा जाए ग्रास का वर्ब बनाओ तो ग्रेज होता है, ग्रेसी लैंड होता है, ग्रेसी माने हो जाता है घास की तरह, तो फिर ये कैटल होगा। और जैसे पीपल की बात करते हो पीपल को भी पीपल्स नहीं करते हैं, पीपल विल रिमेन पीपल, जब भी लोगों की बात करते हैं तो पीपल आर, पीपल के साथ आर लगाओगे, पीपल आर कास्टिंग देयर वोट्स, देयर आएगा ध्यान रखना इस चीज का, देयर का मतलब हो गया अपना वोट अपना मत दे रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं, वोट को कास्ट किया जाता है, इस चीज ध्यान रखना, इलेक्शन टाइम में होता है। और इलेक्शन की स्टडी यू नो इलेक्शन की स्टडी कराती है सेफोलॉजी, और सेफोलॉजी की स्पेलिंग होती है पी एस सी पी एच ओ सेफो, जैसे साइकोलॉजी होता है पी एफ जहाँ भी लगा रहता है पी साइलेंट होता है, टी एफ जहाँ लगा रहता है टी साइलेंट रहता है, जैसे सुनामी होता है यू नो सुनामी जो बिग वेव होती है जो सी बेड में अर्थक्वेक आता है वो कॉज करती है जब, तो फिर वहाँ सुनामी कॉज हो जाती है, हाई टाइड होती है बहुत ज्यादा, तो सेफोलॉजी और जो इलेक्शन
की स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं सेफोलॉजिस्ट, एग्जिट पोल बताते हैं किसको मेजोरिटी मिल रही है। तो ये इलेक्शन की बात होती है, ध्यान रखना इस चीज को स्टूडेंट्स, इलेक्शन की बात होती है। तो सेफो, तो इलेक्शन टाइम में ये लोग वोट कास्ट कर रहे हैं तो पीपल होता है, लेकिन पीपल का इस्तेमाल लोगों के लिए है तो प्लूरल वर्ब चलती है, एस नहीं देना है। लेकिन अगर पीपल जैसे कहा गया इंडिया में हम लोग हैं तो वी आर आई स्ट्रॉन्ग हम लोग, वी आर आई स्ट्रॉन्ग पीपल, तो इसका मतलब हो गया वी आर आई स्ट्रॉन्ग नेशन। तो पीपल का मतलब हो गया यहाँ पर नेशन की बात हो रही है, चाहे पीपल करो चाहे नेशन करो, और चूंकि यहाँ पर आ लिखा हुआ है इसका मतलब है एक नेशन की बात हो रही है। और यही अगर पीपल्स हो जाए तो पीपल्स का मतलब होता है नेशंस, राष्ट्रों की बात हो रही, फिर एक नेशन नहीं है। देयर आर मेनी पीपल्स और इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मोर देन 50 है वहां पर, तो वो पीपल्स हो जाएगा, दैट इज नेशंस हो जाएगा। नाउ तो ये तो हो गया आपका कैटल और पीपल्स, कहां कैटल, कैटल तो कभी कैटल्स होगा ही नहीं, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता ज्यूरी, अगर कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो ज्यूरी, कैबिनेट, कैबिनेट होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट। नेक्स्ट जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, मिनिस्टर्स की कैबिनेट होती है, ज्यूरी है, कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, यूनियन, टीम हो जाता है, ये सब आपके कलेक्टिव नाउन है। लेकिन ये कभी सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, कभी प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। और ये अगर यूनेनिमस हो जाए, यू नो यूनेनिमस, एक वर्ड आता है यूनेनिमस और दूसरा आता है एनोनिमस, तो अगर ये एनोनिमस हो जाए इसका नाउन बना दो तो यूनेनिमिटी हो जाता है। ये एडजेक्टिव फॉर्म में है और ये नाउन फॉर्म में है, हिंदी में कहते हैं एक रूपता। जैसे अभी इसमें डिस्कशन चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म और सिविल कोड, कोड ऑफ लॉज होता है, बता चुका हूँ पहले वाली क्लासेज में, कोड ऑफ लॉज यानी समान नागरिक संहिता। अगर लॉ का कलेक्टिव नाउन बनाना है तो कोड ऑफ लॉज है, तो यूनिफॉर्म, यू माने यूनिफॉर्म हो गया, यूनि माने एक होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहां पर इसका जब नाउन बनाते हो तो इसी तरह ये बन जाता है, इसलिए बता रहा हूँ यूनिफॉर्मिटी हो जाता है। तो यूनिफॉर्मिटी एक रूपता रहती है। यूनेनिमस या यूनेनिमिटी इसका मतलब होता है अगर ये सभी जिन मेंबर से बना हुआ ग्रुप है अगर ये सब एक मत हो जाए तो फिर इसको सिमिलर ट्रीट करते हैं। सिमिलर वर्ब आती है ज्यूरी हैज गिवन, ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट या जजमेंट दे दिया है, और ध्यान रखना हिज या देयर नहीं आएगा, इट्स और वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स होता है जजमेंट होता है, तो ज्यूरी है। लेकिन यही अगर डिवाइडेड हो जाए, डिवाइडेड अगर सेंटेंस में आ जाए आपका कि दे आर डिवाइडेड, तो फिर आपको यहां पर ध्यान रखना प्लूरल वर्ब लगानी है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे, यहां पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे जब यूनेनिमस हो जाते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। कैबिनेट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आर डिस्कसिंग फार्मर्स लॉ बिल, जो फार्मर से संबंधित कानून है, तो पार्लियामेंट डिस्कशन चल रहा है, पास नहीं हुआ है तो पार्लियामेंट आर डिस्कसिंग, या पार्लियामेंट आर डिवाइडेड, अगर डिवीजन हो गया है, एमपी जो कुछ कह रहे हैं, अपोजिशन वाले कुछ कह रहे हैं, तो पार्लियामेंट आर डिवाइडेड, और पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया है, तो पार्लियामेंट हैज पास्ड, क्योंकि यूनानिमस होता है, मेजोरिटी होता है वहां पर, तो पार्लियामेंट हैज पास्ड, आप कह सकते हो फूड सिक्योरिटी बिल, तो दैट इज सिंगुलर कब, जब यूनानिमस हो, ऑल एग्रीड हो, और प्लूरल कब, जब डिवाइड हो जाते हैं तब प्लूरल इस्तेमाल करते हो। तो इसी में आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कराएं, खुद भी करें और दूसरों से भी कराएं, और जैसा भी न्यू हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।